यस आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर आंखें बंद कीजिए। बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन सेक्शन 28, दोनों अमेंडमेंट याद रखेंगे, कंपनसेशन और मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, वेदर ऑफ रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस चैप्टर। रिवेन्यू के लिए पहले भी टैक्स होता था, अब कैपिटल भी इसमें ऐड कर लिया है। कैपिटल के केस में भी अब बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होगी, आपने कोई मशीन बुक की टर्म्स एंड कंडीशन, और एडिशनल बहुत इफ एलिजिबल।
manufacturing that is more normal or atypical in the country. There are various cases. फॉर्मेट देखा है, एक फॉर्मेट आपकी आंखों के आगे आ जाए जरा थोड़ा सा. पहला कॉलम उसमें था पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम में हमने लिखा था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट क्लास में हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के कॉलम के भी टू पार्ट्स कर देंगे, एक में लिखेंगे नॉर्मल, एक में लिखेंगे एडिशनल. फिर नेक्स्ट कॉलम था हमारा ओपनिंग WDV 1/4/2018. नेक्स्ट कॉलम वॉज एडिशन. एडिशन के केस में दो कॉलम बनाए हमने, वन इज फॉर फुल एंड हाफ. फुल और हाफ के लिए जो लॉजिक आपको अप्लाई करना है वो 180 दिन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ध्यान ये रखना है एसेट अगर सेम ईयर में खरीदी और सेम ईयर भी बुक टू यूज की है तो ये 180 डेज का लॉ अप्लाई होता है, अदरवाइज नो. फिर अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेची है, सेल की है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है आपको, तो उस केस में अमाउंट आपको वहां पे लिखनी है. अगर आपको पैसा मिल रहा है तभी वहां पे लिखना है. अगर एसेट के बदले में एसेट मिल गया तो ब्लॉक में फॉर्मेट में कुछ नहीं करेंगे. फिर आपको ऑप्शनिंग प्लस परचेज माइंड में भी सेट कर लें, मल्टीपल टाइम बोर्ड में नहीं है. ऑपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल, तो आपको बताऊंगा कि मैं दो बार परचेज क्यों बोल रहा हूँ, सेल क्यों बोल रहा हूँ. ऑपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल फिगर आपकी आएगी तो आपको WDV बिफोर डेप्रिसिएशन में लिखनी है. अगर करके दैट इज ऑपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल करके नेगेटिव फिगर आ जाती है तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करेंगे और उस कॉलम में लिखेंगे. अगर फिगर आती है पॉजिटिव तो आपको चेक करना है आपने किया ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल. अगर फिगर आती है पॉजिटिव तो आपको ये चेक करना है कि 31 मार्च 2019 रात को 12 बजे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लॉक में एसेट है. अगर ब्लॉक में एसेट है तो उस पॉजिटिव फिगर को WDV बिफोर डेप्रिसिएशन में लिखेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे. और अगर ब्लॉक में 31 मार्च 2018-2019 को एसेट नहीं है, 31 मार्च 2019 में एसेट नहीं है, 31 मार्च 2019 में एसेट नहीं है तो आप पॉजिटिव फिगर को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में लिखेंगे. डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलेगा जब आप ब्लॉक के ओनर होंगे एज ऑन 31 मार्च 2019. एसेट जो आप ब्लॉक में से बेचते हैं, और क्वेश्चन साइलेंट है कौन सी एसेट बेची है. जैसे हमने कहा कि 3 लाख की एसेट बेच दी, वन प्लांट एंड मशीनरी बेच दी 3 लाख की, क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कौन सी बेची है, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होता है. फिफो मीन्स पहले पुरानी जाएंगी फिर नई जाएंगी, फिफो अप्लाई होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफिकली कहता है कि जो एसेट इस ईयर खरीदी है वो ही बिक गई तो फिर लिफो अप्लाई होगा. मैंने अपने एग्जाम्पल में लीफो भी अप्लाई किया है आपके साथ और फीफो भी किया. इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन. थैंक यू वेरी मच फॉर